अस्सलामु अलैकुम फर्स्ट क्लास के बच्चों, मैथ के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नंबर्स 1 2 3 4 5 6, ये आपने पढ़ा है। किस तरह लिखा जाता है ये मैं आपको एक बार फिर लिखा देता हूँ। ये क्या हो गया? एक। ये क्या है? एक। ये क्या है? दो। वेरी गुड। ये तीन। ये चार। ये पांच। ये छः। सात। आठ। नौ। ठीक है, तो ये आपने लिखे भी हैं, पढ़े भी हैं और इनको आप जानते भी हैं। आज हम इनको इंग्लिश में पढ़ेंगे, अंग्रेजी में पढ़ेंगे। ठीक है, कि वन, एक को क्या बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं, तीन को क्या बोलते हैं, ये हम आज इंग्लिश में सीखेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? अब आप, ये है एक। एक आपने आज तक पढ़ा है, ये क्या है? एक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वन। वेरी गुड। क्या? वन। O-N-E, वन। वन मीन एक, यानी जब एक लिखा होगा तो आप उसको क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में? वन, जिसका मतलब है कि आपके पास एक है। ठीक है, अच्छा, इसी के बाद आता है दो। दो को हम क्या पढ़ेंगे? टू। वेरी गुड। TWO, टू। टू मीन दो, यानी वन, एक को वन पढ़ेंगे और दो को टू पढ़ेंगे। इसी तरह थ्री को क्या पढ़ेंगे? तीन को क्या पढ़ेंगे? थ्री। शाबाश। TH REE, ये बन जाता है थ्री। आप को इनके स्पेलिंग याद करने हैं। ठीक है, वन के क्या स्पेलिंग है? O-N-E, वन। वन मीन एक। TWO, टू। टू मीन दो। TH REE, थ्री। थ्री मीन तीन। ये क्या हो गया? वन टू थ्री। ठीक है, वन हो गया एक। जब हमारे पास कोई एक चीज होगी, जैसे हम यहाँ पे एप्पल बना लेते हैं, ठीक, ये हमारे पास, हम बोलेंगे वन एप्पल। क्या बोलेंगे? वन एप्पल। एक सेब भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम अंग्रेजी में बोलेंगे इसको तो हम बोलेंगे वन एप्पल। अगर हमारे पास टू है तो दो एप्पल होंगे, तो हम बोलेंगे हमारे पास टू एप्पल्स। कितने एप्पल्स हैं? दो एप्पल्स हैं। शाबाश। तो जब दो चीजें हम देखेंगे तो उनको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? टू। शाबाश। जब तीन देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? थ्री। तो हमारे पास तीन एप्पल होंगे तो हम बोलेंगे हमारे पास थ्री एप्पल्स हैं। कितने एप्पल्स हैं? थ्री एप्पल्स हैं। तो एक दो तीन तो आप पढ़े हैं, लेकिन आज आपको ये इंग्लिश में सीखना है। तो एक के लिए वन, दो के लिए टू और तीन के लिए थ्री। अब फोर की बात आ गई, यानी चार के लिए हम क्या लिखेंगे? जो हम चार पढ़ते थे उसको पढ़ेंगे हम फोर। FOUR, फोर। ये हमारे पास कितना हो गया? चार। तो चार को क्या पढ़ेंगे? फोर। इसी तरह वन टू थ्री फोर। फोर के स्पेलिंग क्या आगे? FOUR, फोर। फोर मीन चार। जब हमारे पास फोर सेब होंगे, चार सेब होंगे, तो हम उसको बोलेंगे कि हमारे पास फोर एप्पल्स हैं। कितने एप्पल्स हैं? ये मैं एप्पल आपको दिखा रहा हूं, आप किसी भी चीज को, चार होंगी तो आप बोलोगे ये फोर हैं। कितनी हैं? फोर हैं। शाबाश। तो एक और पढ़ लेते हैं, पांच वाला। पांच है, एक दो तीन चार भी हो गया, चार के बाद क्या आता है? पांच आता है। तो पांच को बोलते हैं हम फाइव। कितने बोलते हैं? फाइव। FIVE, फाइव। फाइव मीन पांच। तो हमारे पास अगर पांच सेब हैं तो हम बोलेंगे कितने एप्पल हो गए हमारे पास? फाइव एप्पल। कितने एप्पल? फाइव एप्पल। ये हो गया वन टू थ्री
फोर और उसके बाद आ गया फाइव। हमारे पास कितने एप्पल हो गए? फाइव। तो एक के लिए वन, दो के लिए टू, तीन के लिए थ्री, चार के लिए फोर और पांच के लिए फाइव। अब आपको इनके स्पेलिंग भी पढ़ने हैं। वन के लिए पढ़ना है ओ एन ई वन, वन मीन एक। टी डब्ल्यू ओ टू, टू मीन दो। टी एच आर डबल ई थ्री, थ्री मीन तीन। एफ ओ यू आर फोर, फोर मीन चार। एफ आई वी ई फाइव, फाइव मीन पांच। तो आप आज हमने पांच तक पढ़ा। कितनी तक पढ़ा हमने? पांच तक पढ़ा। तो अब ये आप इनको लिखेंगे भी कॉपी पे और इनको इनके स्पेलिंग भी याद करेंगे। तो आपको ये पांच तक कल आना चाहिए। वन मीन एक, टू मीन दो, थ्री मीन तीन, फोर मीन चार, फाइव मीन पांच। एक एप्पल होगा तो हम बोलेंगे वन एप्पल। एक पेंसिल होगी तो हम बोलेंगे वन पेंसिल। एक पेन होगा तो हम बोलेंगे वन पेन। एक कॉपी होगी तो हम बोलेंगे वन नोटबुक। एक किताब होगी तो हम बोलेंगे वन बुक। किसी भी एक चीज के लिए हम क्या बोलेंगे? वन। जब वही चीजें दो हो जाएंगी तो हम बोलेंगे टू। वेरी गुड। जब तीन हो जाएंगी तो क्या बोलेंगे? थ्री। जब चार हो जाएंगी तो क्या बोलेंगे? फोर। जब पांच हो जाएंगी तो क्या बोलेंगे? फाइव। तो फाइव तक आज हमने पढ़ा। इसके बाद सिक्स जो है, यानी छह सात आठ नौ, आगे जो गिनती है हमारी उसको हम कल पढ़ेंगे। तो फाइव तक आप लिखेंगे और इसके स्पेलिंग भी याद करेंगे, अपनी कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। आप फिर मैं एक बार पढ़ा देता हूं आपको। वन ओ एन ई वन, वन मीन एक। टी डब्ल्यू ओ टू, टू मीन दो। टी एच आर डबल ई थ्री, थ्री मीन तीन। एफ ओ यू आर फोर, फोर मीन चार। एफ आई वी ई फाइव, फाइव मीन पांच। तो पांच तक आपने पढ़ा। इसको आप खूब अच्छी से इनके स्पेलिंग्स को याद करेंगे और कॉपी पे भी लिखेंगे। कल हम पढ़ेंगे सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ठीक है, कल पांच और पढ़ लेंगे। तो ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और इन स्पेलिंग्स को आप याद भी करेंगे और एप्पल भी साथ में बना लीजिए, या पेंसिल बना लें, या एग बना लें, अंडा है ना। तो आप एक वन एप्पल की जगह वन एग भी लिख सकते हैं ना, बना सकते हैं। दो एग बना सकते हैं, तीन एग बना सकते हैं, तीन पेंसिल बना सकते हैं, चार पेन बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह आप कॉपी पे मेंटेन करेंगे। ओके, सलामो अलैकुम।